वर्डप्रेस मेटा टैग सेटिंग्स। अगर आपको नहीं पता वर्डप्रेस की मेटा टैग की सेटिंग कैसे करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन को सेटअप कैसे करते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्डप्रेस के अंदर आप मेटा टैग को सेटअप कर सकते हो, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और कैसे अपनी वेबसाइट को विद इन 2 डेज अपनी वेबसाइट को गूगल की सर्च में रैंक करवा सकते हो। आप अपनी साइट का नेम लिखो, अपनी साइट गूगल की सर्च में टॉप पेज पे आएगी, फर्स्ट नंबर पे आएगी, जैसे आपके भाई की आ रही है। इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल भी दिया, लाइव प्रूफ करके भी दिखाया प्रैक्टिकली। वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है, एक भी पॉइंट हम मिस नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेटा टैग सेटिंग कैसे करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करें, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली दफा आए हो भी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आ सके। सब्सक्राइब के बटन को चाहे तोड़ो चाहे फोड़ दो या फिर आग लगा दो, मुझे कोई इशू नहीं, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। Ladies and gentlemen, सबसे पहले ये मेटा टैग डिस्क्रिप्शन लिखने का फायदा देख लो। आपके सामने ये वेबसाइट है, ठीक है, seotoolforyou.com। अभी ये न्यू वेबसाइट है, अभी इस पे काम भी नहीं हुआ। देखो अभी कुछ भी, एक सिंगल पोस्ट जिसे आप कहते हो ना, वो एक सिंगल पोस्ट भी नहीं है इसके ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर एक सिंगल आर्टिकल तक नहीं है, बिल्कुल न्यू है। और यहाँ पे देखो न्यू ब्राउजर में आ जाते, यहाँ पे आकर मैं टाइप करता हूँ अपनी साइट का नेम seotoolforyou, इतना टाइप करके एंटर करता हूँ। देखो टॉप पे, टॉप पेज के ऊपर टॉप साइट है आपके भाई की, ठीक है। सबसे पहला सर्च रिजल्ट आया आपके भाई की साइट seotoolforyou, ये है आपके भाई की साइट। इस पर क्लिक किया, देखो ऑन होगी आपके भाई की साइट, एक सिंगल आर्टिकल भी नहीं है और गूगल की सर्च में टॉप पे आ रही है। फिर से आके यहाँ पे आपको दिखा दूँ, seotoolforyou लिखा यहाँ पे, .com वगैरह कुछ भी नहीं लिखा, आपके भाई की साइट टॉप पे आ गई। ये रैंकिंग है, ये साइट जो है रैंक है दूसरी, ये नीचे आ रही है आपके भाई की साइट, ऊपर आ रही है इस कीवर्ड के ऊपर। इसका मतलब ये कि आपके भाई की साइट रैंक हुई कि इससे मेटा टैग लिखने से। अब मेटा टैग लिखने के फायदे क्या है, बहुत सारे फायदे हैं। वर्डप्रेस के अंदर मेटा टैग को कैसे लिखना है ये आपको दिखाता हूँ। ब्लॉगर के लिए पहले भी वीडियोज बना चुका हूँ, जाकर उन वीडियोज को देख सकते हो, चैनल पर आपको मिल जाएगी, अगर कहोगे तो न्यू भी आ जाएगी। देखो यार कल मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, बताया था कि आप लोग यूज्ड SEO को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को देख लो, यूज्ड SEO को इंस्टॉल कर लो, इसका विजिट कर लो, ठीक है, इस पर यानी इंस्टॉल कर लो अपना। इसको इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताया, उसके बाद आप लोगों ने कैसे ये काम करना है कि आपकी साइट जो है रैंक करने लगे, ठीक है। मेटा टैग लिखने से साइट रैंक कर दे। अब दो तरीके हैं, दो तरह से लिखना है, एक तो यहाँ पे आपको मेटा टैग जनरेट करके हेडर फाइल में लगाना है, दूसरा एक और तरीका है, वो आपने क्या काम करना है, पेजेस के अंदर आ जाना, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपका होम पेज, फ्रंट पेज लिखा होगा उसके ऊपर, मैंने नेम चेंज किया है, देखो फ्रंट पेज यही है। एडिट में आ जाना आपने, सबसे पहले आपने यूज्ड SEO को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, यूज्ड SEO को इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ये काम करना है, प्लगइन है जाके उसे इंस्टॉल कर लो। ये कोडिंग वगैरह है तो इससे आपने छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको ये प्लगइन मिल जाएगा यूज्ड SEO। यहाँ पे देखो SEO बताई जा रही है, सबसे पहले तो यहाँ पे फोकस कीवर्ड है कि आपका कीवर्ड फोकस क्या है। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा seotoolforyou, सिंपल कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इन्होंने बताया देखो यहाँ पे कि मोबाइल पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है और डेस्कटॉप पे क्या आ रहा है, ठीक है, ये है, ये देखो ये मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है तो यहाँ पे ये चीज़ शो कर रहा है, मोबाइल पे इसका रिजल्ट आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पे सिर्फ आपने टाइटल को ऐड करना है, ऐसी टाइटल के अंदर सिर्फ टाइटल ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना। उसके बाद बात कर लेते हैं स्लग की, स्लग के अंदर आपने क्या काम करना है, देखो आपने यहाँ पे अपनी साइट का टाइटल जो भी है, मेरा है seotoolforyou, seo-tool-for-you, इतना लिख दिया, ये मेरा स्लग बन गया। ये स्लग क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आके देखो हमने सर्च किया, यहाँ पे स्लग हमें देखने को मिल रहा है, सपोज ये देखो आर्टिकल रीराइटर, इसे कहते हैं स्लग, ठीक है, ये आपने जनरेट करना है, ये आपने इस तरह बना लिया। उसके बाद आपकी आती है मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन आपने पहले से लिख के रखनी है, ये आपको दोनों जगह पे यूज़ करनी पड़ेगी। हमने इस मेटा डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिख के रखा है, हमने क्या किया इसे कॉपी किया, यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया एज इट इज़, और यहाँ पे हमारी आ गई मेटा डिस्क्रिप्शन। ये आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के इसे कर दिया अपडेट, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया होम पेज का। अब बात कर लेते हैं, आपने यहाँ पे आ जाना इस साइट पे, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, मे बी मैं अभी अपनी सेम साइट बना के उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँ फ्यूचर में,
तो अभी के लिए आपने इस साइट को यूज करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साइट का टाइटल आपने लिख दिया, मेरी साइट का टाइटल है SEO टूल फॉर यू। आपने अपनी साइट का टाइटल लिखना है, यहाँ पे मेरी का ना लिख देना क्योंकि आपने अपना काम करना है, अपना टाइटल लिखना है। उसके बाद साइट की डिस्क्रिप्शन जो आपने पहले लिख रखी है यहाँ भी आपने लगाई है, उसी डिस्क्रिप्शन को ला के आप लोगों ने लगाना है यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि अभी कम है 22 कैरेक्टर, आप 150 कैरेक्टर तक लिख सकते हो, 22 कैरेक्टर कम है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो रहने दो। मैंने यहाँ पे पहले भी लिख रखी है तो मैं क्या काम करता हूँ, इसे ही ला के ऐड कर देता हूँ। उसके बाद देखो साइट कीवर्ड्स, यहाँ पे आप अपनी साइट के कीवर्ड रिलेटेड कीवर्ड लगा सकते हो और उन्हें कोमा से सेपरेट कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3, बीच में कोमा। यहाँ पे मेरी साइट का मेन कीवर्ड है SEO टूल फॉर यू, कोमा SEO टूल, फिर कोमा SEO, इतना लिख के आपने अपने कीवर्ड लगाने हैं, आपने मेरा कीवर्ड नहीं लगाना, इन सभी को यस रहने देना और यहाँ पे आकर अपनी लैंग्वेज यूज़ कर लेनी है, मेरी इंग्लिश है इंग्लिश ही रहने दूंगा। नीचे वाला काम ऑप्शन वाला है, लिखना चाहो लिख सकते हो, यहाँ पर डेज लगा सकते हो क्योंकि गूगल के बोट हर 10 दिन के बाद आके अपनी साइट को रिफ्रेश करते रहे। यहाँ जनरेट मेटा टैग पे करोगे इस तरह एक कोड आ जाएगा, अब इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लो, ये देखो कॉपी टू क्लिपबोर्ड है। तो यार आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने आ जाना प्लगइन्स के अंदर, एड न्यू, यहाँ पे आके आपने टाइप करना है इंसर्ट हेडर एंड फुटर, देन आपने एंटर करना है। आपको यहाँ पे एक प्लगइन देखने को मिलता है इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स, इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट, आपका प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे सेटिंग में, सेटिंग के बाद आपको इंसर्ट हेडर एंड फुटर मिलेगा, यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ पे आपको हेडर फाइल मिलती है, ये जो मेटा टैग आपने यहाँ से किए है कॉपी, यहाँ पे ला के हेडर के अंदर पेस्ट किए और स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेव का बटन है, यहाँ पे इसे सेव कर दिया। तो देखो आपके हेडर के अंदर आप ये सेव हो चुके हैं। अगर आप टेम्पलेट चेंज करते हो उसके बाद आपको सेम काम दोबारा करना पड़ेगा, अगर आप टेम्पलेट चेंज नहीं करते तो इसे लाइफ टाइम रहना तो ऐसे ही रहेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। इतना काम करने के बाद आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड हो चुकी है। अब यार 24 to 48 hours के बाद यानी 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा गूगल की सर्च के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे पहली दफा आए हो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन पे प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आ सके। आई होप यार आपने अपनी मेटा टैग डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग सेटिंग कर ली है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, फॉलो भी किया है, तो वीडियो को कभी-कभी लाइक कर दो, चैनल पे पहली दफा आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा पर्सनली कुछ पूछना बाइक इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहां पे आ रहा है ProTechTips1 के नेम से, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब की वीडियो पे भी कमेंट्स करके अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हो।